वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास से इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षय जायसवाल ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत कर लेते हैं। प्रताप जी, लगातार परिवहन और रोडवेज की आप समीक्षा बैठक ले रहे हैं, कब तक इलेक्ट्रॉनिक बसें शुरू और कब तक सिंधीगेम का काम पूरा हो जाएगा? और तीसरा सवाल ये है कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं कर्मचारी, उनको कब तक पेंशन का लाभ मिल पाएगा, क्योंकि आए दिन वो धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी पेंशन को लेकर। देखिए, रोडवेज के कर्मचारियों के साथ न्याय करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो लोग रिटायर्ड हो गए उनको रोडवेज के कारण पैसा नहीं मिल पा रहा। 408 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं पेंशनधारियों के, उनको एक साथ पेंशन हम देना चाहते हैं, रिटायर्डमेंट के लाभ देना चाहते हैं। और उसकी तैयारी के लिए कल मैंने मीटिंग रखी थी फाइनेंस के अधिकारियों के साथ, रोडवेज और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ, एक मीटिंग में और करूँगा। राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जिसमें ज़्यादा पैसा LSG में जा रहा है, 75% फंड हमारा है। मैं चाहता हूँ LSG में भी चला जाए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी, और 50% हमको मिल जाए, 50 उनको, तो हम रोडवेज की बड़ी मदद कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस की जितनी इस तरह की रोड सर्विस है बसों की, वहाँ पर वो सब घाटे में चल रहे हैं पूरे देश में। ये मजबूरी है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ते हैं लेकिन हम उसके नहीं बढ़ाते किराए, क्योंकि इसमें जनता पर विपरीत असर पड़ता है। और रोडवेज की बसों में काफ़ी लोगों को हम फ्री यात्रा करवाते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी है या चाहे वो जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं उनको, तो अधिकतर पब्लिक वेलफेयर का डिपार्टमेंट। अब हम 550 बसें खरीद कर, इलेक्ट्रिक बसें लाकर रोडवेज को और मजबूत करना चाहते हैं। सरकार की सहायता से रोडवेज को मजबूत करके जनता को सुविधा देने के लिए हम बड़े प्लान हमने तैयार किया। उसी कड़ी में कल रोडवेज की समीक्षा बैठक रखी थी। कर्मचारियों की 7वें वेतनमान की मांग है, वो भी मैं करना चाहता हूँ, उसको लेकर भी कैसे कब कितने समय में दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी मीटिंग रखी थी। तो अब ओवरऑल जितने भी हमारे वादे जन घोषणा पत्र में गहलोत सरकार ने चुनाव से पहले की, तो पूरे करना हमारी जिम्मेदारी, इसीलिए लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था RSS के एक अधिकारी का और एक सोमया गुर्जर के मामले में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, BJP के नेताओं के साथ एक दिक्कत है, जिन नेताओं की मंदबुद्धि होती है वो फालतू की बातें करते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी, ये लड़ाई BJP कांग्रेस की नहीं है। एक वीडियो आ गया, वीडियो सामने आने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। जब वीडियो आ गया, खुलकर जांच हो रही है, तो उसमें नाराज नहीं होना चाहिए? BJP के नेताओं को जवाब देना चाहिए, और अरेस्टिंग हो चुकी है एक की, तो अब वो RSS हो, BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, यदि किसी का वीडियो आया तो जवाब तो दे, पूछेंगे ना लोग, जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो इसमें नाराज क्यों हो रहे हैं BJP के लोग इतने? इधर उधर की बात करते हैं, कुछ तो मंदबुद्धि नेता है इनमें, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ की कब बात, उनकी पार्टी में उनको सीरियस लेते नहीं। तो ये हालात BJP के इसलिए है कि BJP खुद फ्रस्ट्रेशन में आ गई। भाई, BJP इतना क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि उनकी चोरी पकड़ में आ गई, इसलिए। तो वीडियो तो आपका आया है सामने, आप चिल्ला क्यों रहे हो? जवाब दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, आम जनता परेशान है हर चीज में। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर मैं इतना कह सकता हूँ, देश की जनता की पीठ में खंजर मार रही है BJP। BJP ने चुनाव लड़ा था पेट्रोल डीजल को सस्ता करने के नाम। 2014 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तब पेट्रोल डीजल सस्ता था, लेकिन उस वक्त क्रूड ऑयल $130 प्रति बैरल था। आज जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया मोदी जी के टाइम पर, $63 प्रति बैरल हो गया, तो आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, तब ₹70 था, आज ₹105 तक आपने पहुंचा दिए। तो आपने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी ₹35 कर दी डीजल और पेट्रोल पर। जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दोगे, तो मनमोहन सिंह के टाइम पे तो क्रूड ऑयल महंगा था लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता था, आज क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। तो मनमोहन सिंह जी अच्छे हैं, मोदी जी, मनमोहन सिंह जी अच्छे हुए ना? तो मनमोहन सिंह जी ने एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई, तो आप जनता की जेब काट रहे हो टैक्स बढ़ाकर, क्योंकि आपको प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षित करना है, रिलायंस की और ये जो SR कंपनियां, जो पेट्रोल की कंपनियां हैं, उनको आपको, उनसे आपका कोई टाई अप होगा, करो आप, लेकिन ये पाप है। आपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी और पूरे देश में गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, कहाँ बाकी रहेगी? देश महंगाई से, भुखमरी से, बेरोजगारी से परेशान है। कोरोना संकट में इस तरह के फैसले इनको नहीं लेने चाहिए। कोरोना संकट में लगातार इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, चाहे सरकार कांग्रेस की होती तो भी जनता में आक्रोश होता, विरोध होता। आज BJP की सरकार है तो BJP को जवाब देना पड़ेगा, हमारी तो होती तो हमें देना पड़ेगा। ये लड़ाई कांग्रेस BJP की नहीं है, ये लड़ाई केंद्र सरकार और देश की जनता की है, और देश की जनता को चुनौती दे देकर पीठ में खंजर मार रही है केंद्र की मोदी सरकार। तो इसका जवाब, फेल हो गए ना मोदी जी, एक संकट आया कोरोना संकट, उसमें फेल हो गए,
किस बात की तारीफ, क्या किया है मोदी जी ने? हिसाब पूछते हैं कांग्रेस से, अरे भैया कांग्रेस ये जिसके कारण आप प्रधानमंत्री बनकर बैठे हो, ये लोकतंत्र, कांग्रेस लड़ी आजादी के लिए, तभी तो आपको लोकतंत्र मिला। आप जवाहरलाल नेहरू से बड़ा अपने आप को घोषित करने को, वो जवाहरलाल नेहरू किसकी तुलना कर रहे हो? जवाहरलाल नेहरू जितने साल प्रधानमंत्री रहे ना उतने साल जेल में भी रहे थे। आप तो कभी एक दिन के लिए जेल नहीं गए, आपका तो कोई संघर्ष का इतिहास ही नहीं है, कौन समझाए? लेकिन ये पाप हो रहा है। भाजपा आरोप लगा रही है कि 20,000 के कंसंट्रेटर इन्होंने 1,00,000 रुपए में बेचे हैं, क्या ये जो मामला है ये मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है? मेरी जानकारी में नहीं। ये थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास, उन्होंने इंडिया न्यूज के सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मेरे सहयोगी नरेंद्र के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज।